वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे 3 BHK डुप्लेक्स हाउस प्लान के बारे में। इस वीडियो की रिक्वेस्ट भेजी गई थी, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं सुनील कुमार, उनकी कुछ डिमांड थी। प्लॉट का जो साइज था वो उनका था 19.68x32.8 फिट का। इसमें जो उनकी जो शर्त इस तरीके से थी, उनको कार पार्किंग चाहिए और स्टेयर बाहर चाहिए, और हाउस जो है ईस्ट फेसिंग प्लान है। तो उस हिसाब से ये प्लान डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में आप अंदर जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे मेन गेट प्रोवाइड किया गया है। ये आपका कार पार्किंग एरिया लग जाता है। तो इसका जो साइज है 8 फिट बाई 13 फिट का है। इसके बाद अंदर जो है डोर D3 की सहायता यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आप जो है TV प्रोवाइड कर सकते हैं और सोफ़ा ऑप्शनल में है। यहाँ पर जो है आपकी डाइनिंग टेबल और यहाँ जो है सिंक की पोजीशन इस तरीके से हो गई। यहाँ विंडो W2 प्रोवाइड की गई है। यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो W1 भी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद यहाँ से जब इधर एंट्री करेंगे तो ये कॉमन टॉयलेट है। यहाँ पर जो है वेंटिलेटर भी प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद यहाँ पर डोर D1 की सहायता से आप बेडरूम में एंट्री कर जाएंगे तो यहाँ पर जो है ड्रेसिंग टेबल प्रोवाइड की गई है। ये आपकी बेड की पोजीशन हो गई। यहाँ आप अलमारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ विंडो W1 प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर इधर एग्जिट होंगे आप तो यहाँ एंट्री करेंगे डोर D1 की सहायता से तो यहाँ पर आपको किचन मिल जाएगा। किचन का साइज है 7 फिट 8 इंच बाई 12 फिट का। यहाँ गैस प्रोवाइड की करेंगे और ये आपकी वाश बेसिन की पोजीशन हो गई और ये रेफ्रिजरेटर। इसके बाद यहाँ पर विंडो W1 प्रोवाइड की गई है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि हमने जितने भी डोर और विंडो का साइज यूज किया है वो ये है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो है आगे हम जो है इधर बाहर आएंगे हाउस में तो यहाँ पर स्टेयर प्रोवाइड की गई है। ये फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए है। स्टेयर की जो वेथ है, जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की, वो होगी 3 फिट होगी। इसके बाद हम जो है फर्स्ट फ्लोर प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो है स्टडी या ऑफिस रूम जिसको बोलते हैं वो मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो है कंप्यूटर टेबल जो प्रोवाइड करेंगे, या आपकी चेयर हो गई और विंडो W1 प्रोवाइड की गई है। इसके बाद यहाँ अंदर एंट्री करेंगे डोर D1 की सहायता से तो बेडरूम नंबर 1 मिल जाएगा। तो इसका जो साइज है 9 फिट बाई 12 फिट का है। यहाँ आप अलमारी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ विंडो W1 की पोजीशन हो गई। इस बेडरूम के यूज करने के हिसाब से ये टॉयलेट जो है इस बेडरूम के लिए बनाई गई है। तो इसका जो साइज है 5 फिट 6 इंच बाई 4 फिट का है। यहाँ वेंटिलेटर भी प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद यहाँ से एग्जिट होंगे तो यहाँ पर जो है आपको बेडरूम नंबर 2 मिल जाएगा। तो जो इसका ये बेड की पोजीशन हो गई, ये अलमारी की पोजीशन हो गई, यहाँ विंडो W1 प्रोवाइड की गई है। तो इस बेडरूम के यूज करने के हिसाब से यहाँ पर ये टॉयलेट प्रोवाइड की गई है इस बेडरूम के लिए। यहाँ वेंटिलेटर भी प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद यहाँ से जब आप एग्जिट होंगे तो यहाँ पर एंट्री कर जाएंगे, आपका ये ड्राइंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आप जो है सोफा प्रोवाइड करेंगे और ये आपकी विंडो की पोजीशन हो गई, विंडो W2 प्रोवाइड की गई यहाँ पर। तो इसका जो साइज है 8 फिट बाई 12 फिट 6 इंच है। यहाँ पर आप जो है टेलीविजन या जिसको TV बोला जाता है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ डोर D1 की सहायता से यहाँ बालकनी में चले जाएंगे। बालकनी की जो है 3 फिट जो है इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की रखी गई है। यहाँ विंडो W1 प्रोवाइड की गई है। इसके बाद यहाँ पर जो है स्टेयर है, जो सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए जो है स्टेयर प्रोवाइड की गई है। तो इस तरीके से ये हमारे सब्सक्राइबर सुनील कुमार की डिमांड थी। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।